नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूनिक फैशन चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे फिटिंग शर्ट की कटिंग करना। दोस्तों दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी पीछे से शर्ट बढ़ जाती है, कॉलर सही तरीके से नहीं चढ़ती है, फिटिंग अच्छी से नहीं आती है, आर्म होल में झोल आता है, ल्यूज हो जाता है और आस्तीन भी बढ़ जाती है, तीरा भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यदि आप मैं ये कटिंग करूंगा, आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपकी सारी समस्याएं शर्ट कटिंग की वो दोस्तों डाउट हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो दोस्तों मैं इस चैनल पर आपको मैं सिलाई संबंधी जानकारियां देता रहता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको फिटिंग शर्ट कटिंग किस तरीके से करते हैं वो बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं उसकी नाप बता देता हूं। दोस्तों शर्ट की लंबाई है वो है 27.5 इंची है, 32 इंची सीना है, 29 इंची उसका पेट है, 16.5 इंची तीरा है, 24.5 आस्तीन है, 14 की कॉलर हैं और 8.5 के कप हैं। तो इस नाप से मैं आपको फिटिंग शर्ट की कटिंग करना बताऊंगा। और दोस्तों हमको जो कपड़ा चाहिए वो दोस्तों हमें 2.25 मीटर चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने कपड़ा लिया है वो दोस्तों 2.25 लिया है। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा कि दोस्तों पहले तो उल्टा सीधा का ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों ये सीधी साइड है तो आप ऐसा करना कि ये किनार है, इस किनार को इस तरीके से बराबर में रख लेना है और किनार साइड अपनी तरफ रख लेना है और अच्छे से मिला लेना है। और मिलाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हम एक एल स्केल से यहाँ पर एक निशान लगाएंगे, इस तरीके से एक निशान लगा देंगे। और निशान लगाने के बाद में दोस्तों हम इसमें पट्टी रोल के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा कि किनार को छोड़ के 2 इंची पर निशान लगाना होगा। इस तरीके से निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद में यहां से इसको सीधा कर देंगे, इस तरीके से सीधा कर देंगे। और दोस्तों हमारी शर्ट की लंबाई है वो 27.5 इंची है। तो दोस्तों 27.5 इंची है तो हमें 1 इंची प्लस कर लेना होगा, 28.5 पर निशान लगा लेना होगा इस तरीके से। और एक निशान हम यहाँ भी लगा लेंगे 28.5 पर। और दोस्तों इसका सीना है वो है 32 इंची है। तो दोस्तों 32 का हम 1/4 करेंगे तो 8 इंची आएगा, लेकिन दोस्तों हमें 2 सूत कम कर लेना है क्योंकि हम ये शर्ट काट रहे हैं, ये फिटिंग शर्ट काट रहे हैं। और इसके बाद में क्या करना होगा कि यहाँ से 7.5 इंची नीचे हम ये कमर का निशान लगाएंगे दोस्तों। और इसके बाद में ये हमारा आर्म होल का है, हम इसको सीधा कर लेते हैं। ये हमारा कमर का है, इसको भी हम यहाँ से सीधा कर लेते हैं। और ये नीचे इसको भी हम यहाँ से सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। और दोस्तों एक निशान हम लगाएंगे 1.5 इंची नीचे जहाँ पर हमारा तीरा डाउन होता है, वहां पर इस तरीके से लगाएंगे। और लगाने के बाद में दोस्तों इसकी कॉलर है वो 14 इंची है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 2 इंची रख लेना होगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम 28 सा रखते हैं, 2 इंची या 2.25 इंची रख लेना है, इससे ज्यादा नहीं रखना है। और जो एक्स्ट्रा है उसको जब हम सिलाई करेंगे वो काट देंगे दोस्तों, ये हमारा बढ़ना नहीं चाहिए, कम होगा तो हम कटिंग कर लेंगे। और इस तरीके से यहाँ पर हम गोलाई लगा देंगे। और दोस्तों इसका तीरा है वो 16.5 है, तो 16.5 में हम
1 इंची प्लस करेंगी तो 18.5 आएगा। तो 18.5 यहाँ पर हम 18.5 का आधा रख देंगे, तो दोस्तों हम यहाँ पर 9.25 रख लेंगे, इस तरीके से 9.25 रख लेंगे। और यदि आप इस तरीके से नहीं रखना चाहते हो तो आप ऐसा करना, जितना हमारा तीरा है यानी कि 16.5 है तो 16.5 का आधा करेंगे तो लगभग आएगा ये 8 इंची, और 2 सूत कर लेंगे। और उसके बाद में हमें 3 सूत एक्स्ट्रा कर लेना है सिलाई का मार्जिन। दोस्तों ये हमारा अधिक चल जाता है, हम 1 इंची एक्स्ट्रा करते हैं तो इतना हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो आप ऐसा करना कि जितना हमारा तीरा होता है उसका आधा करके और लगभग 3 सूत एक्स्ट्रा रख लेना इस तरीके से। तो दोस्तों इसका सीना है वो 33 इंची है, तो 33 का हम 1/4 करेंगे तो 8.25 आएगा। और दोस्तों फिटिंग पैंट, ये फिटिंग शर्ट काट रहे हैं तो आपको यहाँ पर 0.25 इंची का निशान लगा लेना होगा इस तरीके से। और यदि आप लूज रखना चाहते हो तो आप यहाँ पर 2 इंची या 2.25 इंची जितना भी रख सकते हो। और दोस्तों इसका पेट है वो है 29 इंची, तो दोस्तों 29 का हम 1/4 करेंगे तो 7.5 तो 30 का हो गया, और 1 सूत कम कर लेते हैं 7.5 में इस तरीके से। और इसकी लूजिंग लेके चल रहे हैं, वो ले रहे हैं 0.25 इंची, तो 0.25 इंची हम यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और दोस्तों इसका सीना है यानी कि इसकी हिप है वो है 33 इंची है, तो 33 का हम 1/4 करेंगे तो दोस्तों 8.25 इंची आएगा। और दोस्तों यहाँ पर हमें 0.25 इंची एक्स्ट्रा कर लेना होगा इस तरीके से। दोस्तों इसका सीना है वो है 32 इंची है दोस्तों, तो 32 का हम 1/4 करेंगे तो 8 इंची आएगा। और यहाँ पर हमें 0.25 इंची एक्स्ट्रा करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद में इन मार्कों को मिला लेंगे। तो दोस्तों मिलाएंगे कैसे, यहाँ से हम इस तरीके से रखेंगे इसको, इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से हम इस तरीके से इसको शेप लगा देंगे, इस तरीके से शेप लगाएंगे। और दोस्तों ऊपर से दोस्तों आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर 1 इंची का निशान लगा लेना होगा दोस्तों यहाँ से इस तरीके से, और इसको यहाँ से मिला देंगे इस तरीके से। और मिलाने के बाद में यहाँ पर गोलाई लगा देंगे दोस्तों इस तरीके से, इस तरीके से गोलाई लगा देंगे। और गोलाई लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ से इसको डाउन कर देंगे इस तरीके से। और दोस्तों ये शर्ट हैं, ये चाइना शर्ट हैं, ओपन शर्ट बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2.25 इंची या 2 इंची पर निशान लगा लेना होगा इस तरीके से, और आधी दूर में से आपको इस तरीके से यहाँ पर एक इस तरीके से गोलाई लगा देनी होगी दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ और इसके बाद में आपको बैक कटिंग करना बताऊंगा कि बैक कटिंग किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर चटका लगा लेना होगा दोस्तों। और दोस्तों एक निशान हमें यहाँ पर बैक के अंदर से लगभग 0.25 इंची कम काटना होगा, तो दोस्तों हम यहाँ पर 0.25 इंची का निशान लगा लेते हैं। और ये हम नाप के देख लेते हैं कितना आ रहा है, ये दोस्तों 9.5 इंची आ रहा है, तो हमको बैक 9.5 इंची बिछाना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हमें ये कपड़ा है
यहाँ से तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और दोस्तों हमको बिछाना है हमारा जितना 1.5 इंची कम काट के हमने जो निशान लगाया है उतना इसको बिछा लेना है तरीके से। आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये कितना आ रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 9.5 इंची आ रहा है। तो दोस्तों हमको ये 9.5 बिछा लेना है, यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे और एक निशान हम यहाँ लगा लेंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम इस तरीके से पकड़ेंगे इसको और इस तरीके से इसको अच्छे से बिछा लेंगे। इस तरीके से अच्छे से बिछा लेंगे और बिछाने के बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे इस तरीके से, और सीधी लाइन खींचने के बाद में ये हमारा फ्रंट पार्ट है ये यहाँ पर हम रख देंगे इस तरीके से। लगभग 1 इंच कम यहाँ पर हम इसको रखेंगे इस तरीके से, ऊपर से हम बराबर में रखेंगे। और दोस्तों इसका तीरा है वो 16.5 इंची है, तो 16.5 का हम आधा करेंगे तो ये 8.25, और लगभग 3 सूत एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं तो 3 सूत एक्स्ट्रा ले लेना है। और दोस्तों यहाँ से हम इस तरीके से इसको मिलाएंगे और यहाँ से हम इसकी गोलाई लगा देंगे इस तरीके से, और दोस्तों इसकी लेप कर लेनी है कटिंग। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। दोस्तों ये मैं कटिंग कर रहा हूँ, यदि आप इन बातों का फॉलो करोगे तो आपकी शर्ट है वो दोस्तों परफेक्ट तरीके से बनेगी। दोस्तों ज़्यादातर लोगों की शिकायत ये होती है कि पीछे से हमारी शर्ट लटक जाती है, तो दोस्तों यहाँ से आप 0.5 इंच कम करके इस तरीके से कटिंग कर लेना, आपकी बेक लटकेगी नहीं दोस्तों। और लोग कहते हैं कि हमारी आर्म होल में झोला जाता है, तो यदि आप 1 इंची अंदर की साइड में लेके और इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आर्म होल में झोल का भी नहीं आएगा। और दोस्तों अब मैं आपको आस्तीन कटिंग करना बता देता हूँ कि आस्तीन कटिंग किस तरीके से करते हैं। इस कपड़े को हम यहाँ से अलग कर लेते हैं, और दोस्तों ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है तो हम इस तरीके से किनार को पकड़ेंगे, और किनार को पकड़ने के बाद में यहाँ से हम इस तरीके से रखेंगे, और रखने के बाद में दोस्तों यहाँ पर एक सीधा निशान लगाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से एक सीधा निशान लगाएंगे। और सीधा निशान लगाने के बाद में यहाँ पर हम 3.5 इंची का निशान लगाएंगे इस तरीके से, और इसको यहाँ से सीधा कर देंगे इस तरीके से। और दोस्तों इसमें हम 2.25 इंची के कफ लगाएंगे, और आस्तीन की लंबाई है वो है 24.5। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, 1 इंची कम कर लेना होगा, तो 23.5 पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और दोस्तों इसके कफ हैं वो 8.5 इंची के हैं, तो 8.5 का आधा करेंगे तो 4.25 इंची, और लगभग 1 इंची एक्स्ट्रा ले लेना है, 0.5 इंची सिलाई का मार्जिन और 0.5 इंची की चुन्नट के लिए दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर हमें सीने का चौथा हिस्सा लगा देना होगा, यानी कि सीना इसका 32 इंची है तो 8 इंची लगा देना होगा इस तरीके से। और यहाँ से इस तरीके से देखेंगे तो दोस्तों आपको 9 इंची लगाना है, और इसके बाद में यहाँ से हम इसकी गोलाई लगा देंगे इस तरीके से, और एक गोलाई हम यहाँ इस तरीके से लगा देंगे लगभग 0.5 इंची अंदर की साइड में लेके, और यहाँ से हम इस तरीके से इसको रखेंगे। फिटिंग वाली शर्ट है तो आप इस तरीके से रखना, और इस तरीके से रख के और इसको
सीधा खींच देना और यहाँ से दोस्तों इस तरीके से इसको सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद में दोस्तों ये हमारी आस्तीन कटिंग हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों हम इस तरीके से इसको कटिंग कर लेंगे। और दोस्तों हमें यहाँ पर गड्ढा देना होता है तो लगभग हमें 1.25 इंची दोस्तों गड्ढा देना होगा। तो हम यहाँ से इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से गड्ढा दे देंगे दोस्तों। और दोस्तों हमें ये हमने यहाँ पर गड्ढा दिया है, ये आगे की साइड में आएगा। तो दोस्तों हमें पीछे की साइड में इस तरीके से इसको मोड़ लेना है। और दोस्तों हम इसमें चौक पट्टी काटेंगे। तो चौक पट्टी के लिए दोस्तों आपको इस तरीके से रख लेना है और यहाँ पर रख के और यहाँ पर लगभग 1.25 इंची इस तरीके से रख के और यहाँ पर नाखून लगा लेना है इस तरीके से। और नाखून लगाने के बाद में दोस्तों बैक साइड में जहाँ पर हमने नाखून लगाया है वहाँ पर 5 इंची या 5.5 इंची पर निशान लगा लेना है और इसकी कर देनी है कटिंग इस तरीके से और हल्का सा इस तरीके से कट कर देना है। तो आइए दोस्तों अब मैं आपको तीरा कटिंग करना बता देता हूँ कि तीरा कटिंग किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों तीरा कटिंग करने के लिए दोस्तों ये हमारा कपड़ा है। कपड़ा तीरा हमेशा डबल कपड़े में काटना चाहिए लेकिन दोस्तों मैं आपको सिंगल तीरे में कटिंग करना बता दूंगा। तो आप इस तरीके से इसको रख लेना, अच्छे से नाखून लगा देना इस तरीके से। और दोस्तों हमारे तीरा हैं वो हैं 16.5 हैं तो 16.5 का हम आधा करेंगे तो 8.25 और लगभग 3 सूत एक्स्ट्रा रख लेना है। ये हमने 3 सूत एक्स्ट्रा रख लिया है, टोटल दोस्तों लगभग 9.25 इंची लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम 4.25 इंची का निशान लगाएंगे इस तरीके से और 4.25 इंची का हम एक यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। और दोस्तों 1.5 इंची हम ऊपर लगाएंगे इस तरीके से निशान। और दोस्तों इसकी कॉलर हमने 14 यानी कि 14 थी तो हमने 2 या 2.25 इंची यहाँ रख लेना है इस तरीके से। और यहाँ पर भी हमें 1.5 इंची ऊपर एक निशान लगा लेना है इस तरीके से। और इसके बाद में यहाँ से इसको सीधा कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर हमारा तीरा है वो है 16.5 तो 16.5 का आधा करेंगे 8.25 और 3 सूत एक्स्ट्रा रख लेना है सिलाई का मार्जिन। और यहाँ से हम इस तरीके से इसको मिला लेंगे, इस तरीके से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद में यहाँ से हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से डाउन कर देंगे। और दोस्तों यहाँ से भी इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ से हमें लगभग नीचे 1.5 इंची इस तरीके से रख के नीचे की साइड में 1.5 इंची यहाँ से इस तरीके से रख के और यहाँ पर इस तरीके से सीधा निशान लगा देना है। और यहाँ पर हमें गोड़ाई लगा देनी है इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से हमें ये कटिंग कर लेनी है। यदि आप इस तरीके से शर्ट की कटिंग करेंगे तो दोस्तों आपकी शर्ट में कोई भी डाउट नहीं होगी दोस्तों, जो हमारी शर्ट बनेगी वो क्लियर बनेगी दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो दोस्तों आपके पास पहुँच सके। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे और नई जानकारी के साथ। थैंक यू।